आपको बता दें कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के काले धन का कोई और ओछो नजर नहीं आ रहा। कानपुर से मिली अकूत संपत्ति की तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब हम जो कन्नौज की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी जरा देखिए। आपको बता दें कि यहां से भी लगभग 19 करोड़ रुपए तहखाने से जब्त किए गए हैं। कई किलो सोना चांदी यहां से भी जब्त किया गया है। और ये जायदाद कन्नौज से 19 करोड़ वो बक्सों में भर के यहां से मिले। आधी रात तक ये छापेमारी जारी रही और कैश के साथ साथ सोना चांदी बरामद हुआ है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। समर्थ, और क्या जानकारी निकल कर आई है सामने? जैसा कि हमने सुना कि पीयूष जैन का बेटा भी लगातार न्यायिक व्यवस्था पर भरोसे की बात कर रहा था, क्या परिवार की तरफ से कुछ और भी कहा गया है? देखिए, कल देर रात पीयूष जैन के परिवार की तरफ से पहला बयान सामने आया है। प्रत्यय, जो कि उनका बड़ा बेटा है, उसने आज तक से बातचीत करते हुए बताया है कि उसको भरोसा है ज्यूडिशियल चीजों पर। फिलहाल मैं मौजूद हूं पीयूष जैन के पैतृक निवास पर कन्नौज में। यहां जो नोटिसेस लगे थे उनको फिलहाल यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि कल सुबह लगभग 3 बजे ये रेड खत्म हो गई थी। एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पतली पतली जो गलियां हैं इन्हीं रास्तों से पीयूष जैन जाता था, और ये जो दीवारें आप पूरे घर कम बंगले की देख रहे हैं इसी में ढेरों कैश था, ढेरों गोल्ड था जो कि रिकवर किया गया। तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि कन्नौज के एक छोटा सा जिला उत्तर प्रदेश का, उसकी पतली सी एक गली में आप आते हैं और जब यहां पर धन उगाही निकलती है तो कितना धन निकलता है? 19 करोड़, जो जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया आज तक को 19 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं, यानी कि आप समझिए। और इसके अलावा काफी मात्रा में गोल्ड, लगभग 12 करोड़ का गोल्ड रिकवर हुआ है। इसके अलावा जो चंदन का तेल होता है, जो कि सेंट परफ्यूम बनाने में काम होता है, एसेंस के लिए काम करता है, वो रिकवर हुआ है, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ है और 600 किलो लगभग बताया जा रहा है। ये वो दरवाजा है जहां कल प्रत्युष ने आज तक से बातचीत करी थी, और इसी दरवाजे से सारी टीम्स, चाहे वो जीएसटी इंटेलिजेंस की यूनिट हो या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टरेट की टीम है वो हो, वो सब जाती रही है। जो गोल्ड मिला है उसमें जो सिंबल्स हैं वो इशारा करते हैं कि ये विदेश से है। लगभग जो गोल्ड रिकवर हुआ है उसमें आधी मात्रा का गोल्ड बताया जा रहा है कि वो स्विट्जरलैंड का हो सकता है या दुबई का हो सकता है। हालांकि विदेशी लिंक कहना या ना कहना जल्दी होगी।